हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे डबल वी लुकअप और फिर उसके बाद जानेंगे इफ एरर के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था किसके बारे में, वी लुकअप के बारे में, वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। तो वी लुकअप कब डेटा फाइंड कर रहा था, जब डेटा कॉलम में था, और एच लुकअप कब फाइंड कर रहा था, जब डेटा किसमें था। क्लियर है ना। अब इसके बाद हमको डबल वी लुकअप जानना है। डबल वी लुकअप क्या, सपोज करिए हम कहीं काम कर रहे हैं और बाय चांस कहीं हमने क्या किया, एक ही डाटा जो है दो जगह बना दिया, एक टेबल यहाँ पे और एक दूसरे टेबल, आ रहा समझ में ना। तो फिर उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा, डबल वी लुकअप का। कैसे, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग देते हैं यहाँ पे, डबल वी लुकअप एंड इफ एरर हो जाएगा ना, हेडिंग टाइप कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे दे दिए कि आईसी नाम को कर लिए कॉपी, और अपने इस वाले सीट पे लाके क्या कर लिए, हाँ थोड़ा समझने के लिए एक पहचान हम इसमें दे देते हैं क्या। तो सबसे पहले इसका नाम कर दिए टेबल वन, सेलेक्ट करके इसका नाम क्या कर दिया, टेबल वन हो गया। थोड़ा सा साइज भी क्या कर लिए, बड़ा कर, ये टेबल वन हो गया। अब इसी का कुछ डेटा हम यहाँ बगल में टाइप कर लिए, क्या इसका दूसरा डेटा, सपोज करिए ये सैलरी और ये एज हम यहाँ से हटा के और यहाँ पे रख लें, हो गया ना। हाँ ध्यान रखिएगा, पहले टेबल से दूसरे टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब क्या होगा, जो दोनों में हो, जो डेटा क्या हो दोनों में। जैसे इसमें अगर हमने नाम दिया है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, उसके बाद से एड्रेस, इन तीनों में से कोई ना कोई एक कॉमन इस दूसरे वाले टेबल में होना चाहिए, आया समझे ना। हम एम्प्लॉय आईडी भी कॉमन ले सकते हैं, नेम भी कॉमन ले सकते हैं, और एड्रेस भी कॉमन ले सकते हैं। सपोज करिए हम आईडी ले लिए यहाँ पे कॉमन, क्या ले लिए, आईडी ले लिए, सेलेक्ट करके इसको कॉपी किए और इसके बगल में लाके क्या कर लिए। अब इतना तक क्लियर हो रहा है ना कि दो टेबल हो, कितना टेबल हो, दो टेबल, और वही दोनों टेबल का डेटा आपको एक जगह निकालना है। कि अगर हम यहाँ पे आईडी चेंज करें ना, तो इसका डेटा भी यहाँ पे अपने आप इस टेबल में आ जाए, आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करें किसका, डबल वी लुकअप, किसका यूज करेंगे, डबल वी लुकअप। हाँ लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डबल वी लुकअप सिंगल के लिए हम लोग क्या किए थे, इसका यही हेडिंग कॉपी करके बगल में पेस्ट कर लिए थे ना, और नीचे फॉर्मूला लगा लिए थे हम लोग, यही किए थे ना। सेम वही काम करना होगा यहाँ पर भी, कि आप ये हेडिंग को करिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पे ला क्या कर लीजिए, फिर ये वाला हेडिंग है ना, क्योंकि आईडी इसमें पहले से ही है, बाकी जो डेटा उसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे ला क्या कर लेंगे। अब हम ये चाहते हैं यहाँ पे जो आईडी चेंज करे ना यहाँ पे, तो सारा डेटा यहाँ से यहाँ तक चेंज होके आ जाए, इतना तक क्लियर हो रहा है ना। अब आप लोग बताइए, सिंगल वी लुकअप हम लोग कैसे फॉर्मूले का यूज किए थे, इक्वल टू वी लुकअप ये दिए थे ना, लुकअप वाले हम किसको सेलेक्ट किए थे, आईडी नंबर, या फोर से क्या कर लिए थे, कॉमा किए थे टेबल अरे में, पूरे टेबल को सेलेक्ट, फिर या फोर से कॉमा, जहां कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था हम क्या किए थे, कॉलम्स लिखे थे, क्या लिखे थे, और दो कहीं कॉलम सेलेक्ट करके पहले वाले क्या कर दिए थे, या फोर से, और बाद में किए थे क्या, इसको या फोर से क्या कर ली, फिक्स, और फिक्स करने वाले लास्ट वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, क्लोज कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, और एक आ गया ना। अब देखिए हम ड्रा करेंगे तो सबका तो आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आ रहा, इसका आ रहा है क्योंकि इस टेबल का नहीं है, ये दूसरे टेबल का है, किस टेबल का है, ये दूसरे टेबल का। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले
अगर जो आपको पहले टेबल के लिए निकालना हो तो आपको ये पहले से फॉर्मूला पता होगा, होगा ना, जितना इस पे डेटा होगा ये कई बार में पहले टेबल का निकल जाएगा। वैसे हमको पूरे का निकालना है यहां से लेकर के यहां तक, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। क्या लिखेंगे देखिए, लगाने का दो तरीका है, चाहे तो एक बार भी दो बार भी लुकअप लगा सकते हैं और चाहे तो एक एक करके लगा सकते हैं। तो पहले एक एक करके समझाते हैं। देखिए इन दोनों टेबल में से कॉमन क्या है, जो इस टेबल में भी हो और इस टेबल में भी हो, आईडी नंबर है ना। तो पहले हम यहाँ पे आईडी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे भी लुकअप लिखना होगा। लुकअप वैल्यू में आईडी को क्या करना होगा, या फोर से कॉमा टेबल, अरे हम पहले वाले पूरे टेबल को क्या कर लेना है कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना, चलिए पहले इसको फिक्स करना होगा ना, सेलेक्ट कर लिए और या फोर से फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना। अब आप बताइए कि जो आपने यहाँ पे आईडी नंबर लिया है इस वाले में कॉमन है ना, कितने नंबर पे है आईडी, पहले नंबर पे ही है ना। यहाँ पे वन करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और देखिए यहाँ पे 101 आ गया ना, लेकिन हमको 101 नहीं लाना है, बल्कि जिसका 101 होगा ना उसका एज निकालना है, उसका क्या निकालना है, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले इसी में फॉर्मूला लिखे है ना, तो एक बार और शुरू में लिख देंगे वी लुकअप। अब वी लुकअप कितनी बार हुआ है, वी लुकअप कितनी बार हुआ है, फिर जाएंगे लास्ट में, फॉर्मूला यही लास्ट में ही क्लोज हुआ है ना, यहाँ पे कॉमा करेंगे। तो अब देखिए कह रहा है टेबल अरे, फिर पूछ रहा है ना टेबल एरे में, फिर दोबारा पूरे दूसरे टेबल को क्या कर लेना है, या फोर से हम क्या कॉमा करके कॉलम से लिख रहे थे ना, लिख लेंगे कॉलम, दो रो को दो कॉलम को क्या करना है, पहले वाले को फिक्स और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, और अब निकल के आ गया 24। ड्रा कर लेंगे इसका भी, इसका यही 101 का ना, यहाँ पे चेंज करके देख लीजिए, 105 चेंज हुआ, 105 का 105 में क्या दिया, नूर आलम पड्रोन, इसमें आ जाए 105 पे 27 और 23,945 वही आया है, हो जाएगा ना। एक चीज इतना ध्यान रखिएगा कि जहां तक आपका पहला टेबल होगा वहां पे एक बार भी लुकअप लगेगा, कितना बार, और जहां पे दूसरा टेबल का डेटा इसमें लाना होगा उसके लिए कितनी बार लगेगा भी लुकअप, दो बार लगेगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो हम एक अलग अलग निकाले हैं ना, कि पहले कॉलम था तो पहले कॉलम नंबर निकाल, ये आईडी नंबर निकाल लिए हैं, फिर बाद हम फार्मूला लगा दिए, नहीं क्लियर हुआ होगा ना, तो समझ लीजिएगा, पहले लिखिएगा इक्वल टू वी लुकअप, एक बार वी लुकअप हो गया ना, एक बार और लिख लीजिएगा वी लुकअप। अब वी लुकअप कितनी बार हो गया, तो अब करेंगे लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट, आईडी, या फोर से कॉमा टेबल अरे में पहले टेबल को क्या कर लेना है, या फोर से कॉमा करना है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कितने नंबर पे है, पहले टेबल में पहले नंबर पे, फिर कॉमा करना है और एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा करेंगे और कॉमा करना टेबल है जब क्या, तो दूसरे टेबल को क्या कर लेना है कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर इसको फिक्स करना होगा ना, इसलिए पहले हम इसको क्या कर लिए, सेलेक्ट करके फिक्स कर लिए, या फोर से कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह फार्मूला ही लगा रहे थे ना, लगा देंगे कौन सा कॉलम, तो कॉलम क्या कर लेना है, और पहले वाले कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करना है या फोर से, और बाद में ब्रैकेट को क्या करना है क्लोज, फिर कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जी, चलिए एग्जैक्ट मैच के लिए क्या कर देंगे जी, ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या कर लेंगे, एक का निकल गया, ड्रा कर देंगे दोनों का निकल जाएगा,
कोई दिक्कत इसमें? अब दो जगह आपका टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस आप क्या करिए, चेंज करिए। चेंज हुआ? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे। तो पहले ये डेटा ऐसे नोट कर लीजिए, फिर फार्मूला बता के आपको बताते हैं क्या इफ एरर क्या होगा। इफ एरर आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ पे जब हम डबल वैल्यू का पहले हम फार्मूला लगाए ना, तो पहले हम इंप्लाई आईडी को क्या किए हैं, सेलेक्ट। दूसरी बार में टेबल को क्या किए हैं, सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम सिर्फ वन क्यों लिखे हैं, क्योंकि कॉमन हमारा क्या है, पहले नंबर पे, और जो नाम कॉमन होता है इसमें ना, तो नाम कितने नंबर पे है, दो नंबर पे, तब हम वन के जवाब क्या लिखते, और जो एड्रेस कॉमन होता है इसमें, एड्रेस कितने नंबर पे है, तीन, तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आया समझे ना। तो हम यहाँ पे अगर जो लिख दे रहे हैं टाइप कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आप लोग पहचान जाएंगे ना। हाँ क्या किसी का अनुसार, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके अनुसार करना चाहते हो, आ रहा समझे ना। और आपको लग रहा है कि नहीं हम नेम के अनुसार करेंगे, तो यहाँ से नाम ही रख लीजिए इसके जगह, तब इसके जगह क्या कर लेंगे। हाँ देखो, हम इसमें कहीं भी लिखे रहे उससे कोई मतलब नहीं, आया समझे ना, लेकिन इसमें कितने नंबर पे है वो हमको देना है। जैसे देखो अभी दो नंबर पे है इसमें नाम ना, इसमें तो पहले नंबर पे ही है, लेकिन पहले वाले टेबल में कितने नंबर पे, दो पे, तो वन के जगह सिर्फ हम क्या कर लेंगे, तो एंटर कर लेंगे। अब देखो आ गया, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ब्रैकेट में या फोर से आप लोग समझ में आ ही जाएगा, या फोर क्यों प्रेस करेंगे, फिक्स करने के। टाइप कॉलम नंबर वही, जितने नंबर में वही क्या कर देना हो, टाइप कर देना, हो जाएगा ना। यहाँ पे नहीं कॉलम नंबर होगा ना, कितने नंबर में, एक नंबर में कि दो नंबर, वही कॉलम नंबर हमको टाइप करना होगा। नहीं देखो जब हम यहाँ पे आए थे हम वही टाइप ही बस किए ना, यहाँ पे कॉलम नंबर ही टाइप किया, कितने नंबर कॉलम है, एक नंबर में कि दो नंबर में, तीन नंबर में, आया समझे ना, बस वही लिखना होगा हमको वहां।
हो गया। अब ध्यान दीजिए ये वाला हो जाएगा ना, यानी कि डबल वी लुकअप का यूज कब करेंगे, जब दो जगह टेबल दिया गया हो और एक ही जगह हमको फार्मूला के माध्यम से निकालना है, हम किसका यूज करेंगे, डबल। तो हाँ एक और ध्यान दीजिएगा, ये इफ इरर क्या है, इफ इरर समझने के लिए ना, इफ इरर को तोड़ दीजिए दो पार्ट में, इफ और इरर। इफ का मतलब क्या होगा यदि, और इरर का मतलब क्या होगा गलत, यदि गलत होगा तब क्या डाटा देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 113 तक डाटा लिखा गया है ना, 113 को हटा अगर यदि हम 114 करें, देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डाटा फाउंड, यानी कि जो हम इधर देना चाहते हैं वही हम देना चाहते हैं। तो जो फार्मूला हम लिखे हैं ना, तो फार्मूला के सबसे पहले ही हम ये लिखेंगे इफ इरर, यदि इरर होता है तो, बस हम ये लगाएं फिर ना, और पूरे फार्मूला के लास्ट में चले जाए, यहाँ करेंगे कॉमा और डबल इनवर्ट कॉमा दे देंगे, क्या इरर देना है, हम दे देंगे नो डाटा फाउंड, हाँ जो लिखेंगे वही आएगा, मैं दे देंगे नो डाटा फाउंड, डबल कॉमा क्या कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, और सब जो तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, नो डाटा फाउंड। तो बस यहीं तक हम ड्रा कर पाएंगे ना, क्योंकि इसमें फार्मूला दूसरा लगा हुआ है, तो यहाँ के लिए भी डबल क्लिक, और शुरू में हम क्या लगा देंगे, इफ इरर, यदि इरर हो तो, लास्ट में आ जाना है कॉमा और डबल कॉमा इरर दे देना है, जैसे कि इस बार लिखिए नो रिकॉर्ड, इस बार क्या लिख दिए, फिर डबल कॉमा क्या कर लिए, क्लोज ब्रेकेट क्लोज, और अब इसमें क्या दे रहा है, नो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 113 तक करेंगे तो डेटा बताएगा, आ रहा समझ में ना, और यदि यहाँ गलत हुआ क्या बताएगा, यहाँ से यहाँ तक बताएगा नो डाटा फाउंड, और यहाँ बताएगा क्या हो जाएगा। बस आपको करना क्या, जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, उसी फॉर्मूला के शुरू में, बिल्कुल शुरू में आपको क्या लिख लेना है यहाँ पे, इफ इरर, और ब्रैकेट को क्या कर लेना है, और फिर लास्ट में आ जाना है आपको करना है कॉमा और डबल नोटेड कॉमा में, जो भी आप एक इरर देना चाहते हैं, नो डाटा नो इरर नो रिकॉर्ड फाउंड, जो भी देना चाहते हैं दे दे, डॉट कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लेना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग यहां तक करिए लोग।